तो बाबा सिद्दीकी की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों के बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच सलमान खान भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। कुल 51 लोग ऐसे होंगे अब जो सलमान खान को सिक्योरिटी देंगे। लेकिन इस बीच सलमान खान की ओर से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। सलमान खान की ओर से दुबई से एक बेहद हाईटेक कार मंगवाई गई है जो कि बुलेट प्रूफ भी है। साथ ही साथ ये भी दरअसल कहा जा रहा है कि इसमें कई फीचर्स ऐसे हैं जो सलमान खान की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों बढ़ाई गई सुरक्षा और क्यों सलमान खान को इतनी चिंता सता रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बारह अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सिद्दीकी के करीबी सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। हाल ही में मुंबई ट्रैफिक पुलिस को गिरोह से एक मैसेज मिला जिसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए मांग की गई थी। मैसेज में धमकी दी गई कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो उनका बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। लगातार मिल रही धमकी सलमान खान के परिवार और उनके करोड़ों फैंस के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। एक्टर को पुलिस ने 5+ सिक्योरिटी दी है। एनसीपी नेता की हत्या के बाद इसमें एक घेरा बढ़ा भी दिया गया है, जबकि शेरा भी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ भाईजान के साथ साए की तरह बने हुए हैं। वहीं सलमान खान ने खुद की सुरक्षा के लिए अब फोकस बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक सलमान खान ने अपनी सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए दुबई से एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई है। सलमान खान ने दुबई से नई एसयूवी खरीदी है जो सुरक्षा के लिहाज से काफी सेफ मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक एसयूवी अपनी कड़ी सुरक्षा फीचर्स के लिए जानी जाती है। लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत वाला ये एसयूवी भारत में उपलब्ध नहीं है, इसलिए सलमान खान को इसे दुबई से लाना पड़ा। इस कार में मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास, बम अलर्ट सेंसर्स और ड्राइवर और यात्रियों को छुपाने के लिए डार्क शेड्स लगे हैं। मुंबई पुलिस भी सलमान की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में है। सलमान खान पहले कहीं जाते थे तो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड का काफिला चलता था, लेकिन अब उनकी सुरक्षा को देखते हुए वो जहां भी जाएंगे अब पहले उस जगह के पुलिस थाने को बताया जाएगा जो मौके पर पहुंचेगी और एक्टर के आने से पहले इलाके की रेकी कर उसे सैनिटाइज करेगी। इसके बाद ही एक्टर का काफिला वहां पहुंचेगा। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी नई नहीं है। 1998 के काला हिरण शिकार मामले के बाद से ही बिश्नोई समाज का ये लॉरेंस एक्टर को जान से मारने की धमकी देता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है, जबकि उसका भाई अनमोल बिश्नोई, दोस्त रोहित गोदारा, गोल्डी बराड विदेश में बैठकर धमकी और हत्या का खूनी खेल खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक मीडिया। दमदार सुरक्षा घेरे में सलमान खान रहेंगे और पूरी तैयारी कर ली गई है। इस वक्त बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी सलमान खान के लिए अब हाजिर होगी क्योंकि इस गाड़ी को मंगा लिया गया है। निसान पेट्रोल की खासियत क्या है, गोला बारूद बेअसर होगा इसके ऊपर, मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं, आर पार करना बड़ा मुश्किल होगा। बम अलर्ट सेंसर भी इसमें एक फीचर के तौर पर है जिसमें यह पहले से डिनोट करेगा। पैसेंजर के लिए डार्क शेड्स लगाए गए हैं जो सुरक्षा मानकों में सबसे बेहतरीन है। डार्क शेड्स यात्रियों का एक कवच माना जाता है और इस कवच के अंदर ही सलमान खान रहेंगे। तो इस गाड़ी की खासियत हम बता रहे हैं। और चलिए जरा आपको बताते हैं 24 घंटे का जो ये घेरा ये कैसे है। सलमान खान और उनके जो बॉडीगार्ड शेरा है 24 घंटे इन पर पहरा होगा, क्योंकि जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं उसके बाद ये एक तरह से सुरक्षा घेरा बनाया गया जिसमें 25 सुरक्षा गार्ड हर समय 24 घंटे मौजूद होंगे जो लगातार निगरानी रखेंगे। इसमें कौन कौन होगा, इसमें एनएसजी के कमांडो शामिल हैं। तो बॉडीगार्ड शेरा के साथ कौन कौन, 25 सुरक्षा गार्ड जिसमें एनएसजी के कमांडो शामिल है, 2 से 3 गाड़ियां भी इस पूरे के पूरे काफिले में रखी गई हैं और वो गाड़ियां जो आइडेंटिफाई गाड़ियां हैं वही साथ में रहेंगी, जिसमें खासियत यह है कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी हमेशा साथ रहेगी सलमान खान की जिसमें वो ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा वो किसी भी गाड़ी में ट्रैवल नहीं करेंगे। आप ये समझिए कितना जबरदस्त ये सुरक्षा घेरा है जिसमें 25 जो गार्ड है वो हमेशा तैनात रहेंगे। तो साथ ही साथ जो इसमें एनएसजी के कमांडो है उनकी तैनाती होगी और हर समय बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही ट्रैवल करेंगे सलमान खान। जिस तरीके से एक के बाद एक धमकियां मिल रही हैं, अब इसके बाद जो सुरक्षा है वो और कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि इस पूरे मामले में लॉरेंस लगातार धमकियां दे रहा है, इसके बाद अब सुरक्षा और कड़ी की गई।
और बड़ी खबर आ रही है युद्धभूमि से, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के घर को ड्रोन से टारगेट किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर यहां पे हमले की खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर नेतन्याहू के घर पर यहां पर ड्रोन से निशाना बनाया गया है। युद्धभूमि से यह बड़ी खबर अब तक की, जहां पे बेंजामिन नेतन्याहू के घर को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। नेतन्याहू के घर पर हमले की खबर निकल के सामने आ रही है। युद्धभूमि से यह आज की सबसे बड़ी खबर, जहां पे नेतन्याहू के घर को ही ड्रोन से निशाना बनाया गया है। लेबनान से यह निशाना बनाया गया है। हिजबुल्ला के ड्रोन से हमले की खबर निकल के सामने आ रही है। इस ड्रोन हमले में क्या कुछ हुआ है, जानकारी निकल के आना बाकी। लेकिन पहले बड़ी खबर यह कि हिजबुल्ला ने नेतन्याहू के घर को यहां पर ड्रोन से निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने हालांकि ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। यहां पे बड़ी खबर आ रही है, जहां पे नेतन्याहू को ही खतरे में यहां पर देख पा रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से उनके ही घर को इजरायल की ओर से अगर बात करें तो यह बड़ी खबर इस लिहाज से भी, क्योंकि जिस तरीके से इजरायल की ओर से हमले को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही थी, किस बीच नेतन्याहू के घर पर ये ड्रोन अटैक किया गया है। हालांकि इजरायली सेना ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है। लेकिन बड़ी खबर यहां पर ये कि जिस तरीके से लेबनान की ओर से अगर बात करें हम, तो हिजबुल्ला गुट की ओर से ये टारगेट सेट किया गया है। इजरायली पीएम के घर को निशाना बनाया गया है। यहां पर यह बड़ी खबर है, जहां पर नेतन्याहू जो कि लगातार बड़े एक्शन की वजह से चर्चा में रहे दुनिया भर में, और जिस तरीके से इस बात का आकलन था कि इजरायल की ओर से हमला किया जाएगा एक बार फिर से ईरान पर या बाकी जगहों पर, लेकिन उसके पहले नेतन्याहू के घर पर ही हमले की खबर निकल के सामने आ रही है। कि बड़ी बात यह कि इजरायली सेना ने ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है। लेकिन बड़ी खबर यह, उत्तर प्रदेश की तरह ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिन लोगों ने भी सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया था, उसके खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। उन सभी अवैध अतिक्रमण को हटाने की कोशिशें शुरू की गई हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है वो अवैध निर्माण जो सरकारी जमीन पर किया गया था। और ये एक तरह से बहुत बड़ा संदेश है मोहन यादव सरकार का कि अगर अवैध तरीके से कब्जा किया जाएगा सरकारी जमीनों पर, फिर तो फिर एक्शन कैसे होगा। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये बताया जा रहा है ये सरकारी जमीन थी और यहां पर अतिक्रमण कर लिया गया था। इसी को हटाने की मुहिम शुरू हुई और एक दो नहीं बल्कि शहर में दर्जनों इस तरीके के अवैध अतिक्रमण के मामले सामने आए, जहां पर मकानों को बना लिया गया और अब इन अवैध मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और इसी दौरान आप देख रहे हैं भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई ताकि हंगामा ना किया जाए। वो लोग जिनके ये घर हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से बनाए हैं, वो कहीं हंगामा ना करना शुरू कर दें। ये इस वक्त आपको बता दें बड़ा एक्शन उज्जैन में देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ नगर निगम स्वामित्व की भूमि है, कुछ सरकारी कब्रिस्तान शासकीय भूमि है, जिस पे लोगों ने अवैध अतिक्रमण बनाकर रखा हुआ है, जिसमें उनका नक्शा भी पास नहीं है और जो नक्शा में कागजात दिखाए जा रहे हैं वो दूसरे सर्वे नंबर के हैं और बैठे इलीगल तरीके से दूसरे सर्वे नंबर पर हैं, जो शासकीय प्रकृति की है। 90 करीब स्थायी और अस्थायी संरचनाएं थी, जिसमें से 60 करीब हम लोगों ने हटा दी हैं। ये जो कार्रवाई की जा रही है ये कब्रिस्तान की शासकीय भूमि है जिसपे अवैध अतिक्रमण कर लिए गए थे। यहाँ लगभग 51 मकान हैं जो अवैध बने हुए हैं, तो उन्हीं सभी को गिराने की कार्रवाई में हम लोग प्रशासन का सहयोग करने के लिए नगर निगम यहाँ पर है। पूरी मशीनरी नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। ये अतिक्रमण विरोधी मुहिम है, इसमें हम लोग जो बड़े स्तर का अतिक्रमण हटाया जा रहा है इसमें पुलिस व्यवस्था लगी हुई है, ताकि कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति या आपत्तिजनक अगर स्थिति बनती है तो उसको हम प्रिवेंट कर पाए। और एक और बड़ी खबर आ रही है नोएडा के सेक्टर 27 के एक ऐसे स्कूल से, जहां 3 साल की मासूम के साथ डिजिटल रेप की घटना हुई है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात कि साक्ष्य को छुपाने के लिए 3 नहीं बल्कि 4 लोग लगे थे, मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। तो जो ये अभिभावक हैं यहाँ पर जुड़े हुए, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नोएडा के स्कूल में डिजिटल रेप की घटना हुई है और निजी स्कूल में घिनौनी हरकत हुई है। जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं काफी परेशान है कि हो क्या रहा है और स्कूल में बच्चे क्या सुरक्षित नहीं है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आता है। तो नोएडा के निजी स्कूल में घिनौनी हरकत हुई है, सेक्टर 27 का मामला है और इसके बाद जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके परिजन, उनके अभिभावक स्कूल के बाहर आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको तस्वीरों के जरिए दे रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी लोमस का जो जुड़ रहा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। लोमस, पहले तो 3 साल के बच्चे के साथ डिजिटल रेप, उसके बाद उसको छिपाने का प्रयास, लेकिन जो गुस्सा है लोगों का फूट रहा है, क्या जानकारी, कैसे हालात देख रहे हैं आप ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल
बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आपने देखा कि ये पूरे हालात काफी बिगड़े हुए हैं क्योंकि अभिभावक काफी गुस्से में हैं। इस तरह की घिनौनी हरकत स्कूल में हुई है, 3 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत हुई है और उसके बाद यहाँ पर स्कूल में कई हजारों की संख्या में अभिभावक पहुंचते हैं और उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर अभिभावक के साथ यहाँ पे वार्तालाप की जाती है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनको इस बात की सूचना दी जाती है, उसके बाद स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो पहुंचते हैं, लेकिन जो अभी मीटिंग है वो बंद कमरे में शुरू हो चुकी है अभिभावकों की और प्रिंसिपल के बीच में, और मीडिया को हालांकि इस मीटिंग से दूर रखा गया है, अंदर मीटिंग चल रही है। कुछ अभिभावक अभी यहां पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। आप लोग यहां पर प्रिंसिपल कहा जा रहा है कि आ गई अंदर? नहीं, अभी तक प्रिंसिपल नहीं आई है, अभी तक बैठे हुए हैं, बट प्रिंसिपल का आगमन अभी तक नहीं हुआ है। जो अभिभावक है उनको तो एक रूम में ले जाया गया, उनको एक रूम में ले जाया गया, उनको बैठाया गया है, बट अभी तक प्रिंसिपल नहीं आई है। तो हमारा यही कहना है कि स्कूल अथॉरिटीज से जल्दी हमारी बात करी जाए। हम सुबह 9 बजे से आए हुए हैं यहाँ पर और अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है हमें। इस तरह की घिनौनी हरकत स्कूल में होती है तो बच्चे कितने सुरक्षित आप देख सकते हैं? हमें तो लगता है हमारे बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और आज हम लोग इतना पीसफुल एजिटेशन यहाँ कर रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि आप प्रिंसिपल को और हेडमिस्ट्रेस को बुलाइए, हमें सिर्फ उनसे एक सिंपली उनसे बात करनी है, लेकिन पिछले 3 घंटे से ज़्यादा हो गया है अभी तक।